दिल्ली जो आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है, वह कभी इंद्रप्रस्थ तो कभी शाहजहाँबाद के नाम से जानी जाती थी। जैसे जैसे देश में विदेशियों का आगमन हुआ, देश की सभ्यता में बदलाव आते रहे। देश में सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगलों का पड़ा, चाहे उनका रहन सहन हो या फिर उनका मुगलई खाना। आइए यहाँ की कुछ मशहूर जगहों का आगमन करते हैं। यूँ तो दिल्ली में काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं जिनका अपना अनोखा ही इतिहास है। उनमें से एक है चांदनी चौक। जी हाँ, चांदनी चौक अपने प्राचीन इमारतें व मशहूर पकवानों के लिए जाना जाता है। 1460 दुकानों वाला यह बाज़ार मूल रूप से 40 गज चौड़ा और 1420 गज लंबा हुआ करता था। जब शाहजहाँ ने यमुना नदी के किनारे लाल किले की स्थापना की थी, तब चांदनी चौक को सन 1640 में शाहजहाँ की पुत्री जानरा बेगम ने डिज़ाइन किया था। चांदनी चौक, कहा जाता है कि इस बाज़ार के केंद्र में एक तालाब स्थित था जो कि चांदनी रात में चमकता था, जिस वजह से इस बाज़ार का नाम चांदनी चौक पड़ गया। आज ये बाज़ार भारत के सबसे व्यस्त बाज़ारों में से एक है। चांदनी चौक में आपको बहुत से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मिल जाएंगे जिनका अपना ही एक अलग इतिहास है, और बहुत से प्राचीन इमारतें जो अपना अलग ही इतिहास दर्शाती हैं, जैसे शीश गंज साहिब गुरुद्वारा। गुरुदेव बहादुर की शहादत स्थल के रूप में पहली बार इस गुरुद्वारे की स्थापना वर्ष 1783 में की गई थी। चांदनी चौक में अलग अलग धर्मों के स्थल होने के बावजूद भी सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, जो कि यहाँ की खास बात है। चांदनी चौक इस बाज़ार में आपको अपनी ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कैमरा, मोबाइल फोन्स और इनसे रिलेटेड सारा सामान भी मिल जाएगा। यहाँ आपको बहुत से सामान किफ़ायती दामों में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर हम दिल्ली के प्राचीन किलों की बात करें तो लाल किला हमारे जुबा में सबसे पहले आता है, जो कि चांदनी चौक में है। मशहूर लाल किला, जो कि 1649 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। लाल किला अपने विशाल बाड़े की दीवारों के लिए जाना जाता है। लाल किला 254.67 एकर्स में 2.41 किलोमीटर की विशाल रक्षात्मक दीवारों से घिरा हुआ है। आज के समय में यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दिगंबर जैन मंदिर, यह चांदनी चौक के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1526 में हुआ था। यह मंदिर पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए यह लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रमुख मंदिर भगवान महावीर का है, जो जैनो धर्म के 24वें तीर्थकार थे। फतेहपुरी मस्जिद, 17वें शतक से यह मस्जिद चांदनी चौक में स्थित है। यह रेड फोर्ट के विपरीत चांदनी चौक के आखिर में स्थित है। फतेहपुरी मस्जिद 1650 में शाहजहाँ की पत्नी
फतेहपुरी बेगम ने बनवाया था, जो कि फतेहपुरी सिकरी से थी। खारी बावली, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसालों की बाजार मानी जाती है, वह भी इस मस्जिद के स्थापित होने के बाद बना है। अंग्रेजों ने इस मस्जिद को 1857 की लड़ाई में रायलाल चुन्नामल को नीलाम कर दी। मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है और शीर्ष पर महापद्म और कलश के साथ एक गुंबददार गुंबद है। खारी बावली, यह एक सड़क का नाम है जो एशिया की सबसे बड़ी थोक मसालों के बाजार के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ सभी प्रकार के मेवे, मसाले, जड़ी बूटियाँ और दाल चावल और चाय जैसे सामान उचित रेट में मिलते हैं। और खारी बावली के बारे में ऐसे वैसे आदमी और ऐसे वैसे शख्स आदमी नहीं जानते, पर देश और विदेश, दुबई, सऊदी, अमेरिका, हर कोई भी जानता है। जो मार्केट हमारी बनी हुई है पूरी ऑलराउंडेड बाउंड्री, ये कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, पर इनके अंदर में जो दुकानें हैं इनमें आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपको घर में ज़रूरत होगी, रिश्तेदारों में देना है, कहीं भी देना है, जड़ी बूटी से लेके मसाले, घर में जो चीज़ कम पड़ती है सब कुछ मिलेगा। अगर आप कहीं नहीं पहुँचे, अगर खारी बावली में पहुँच जाते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। खारी बावली का निर्माण 1650 में फतेहपुरी बेगम द्वारा करवाया गया था, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी थी। शाहजहाँ के शासनकाल में इसे खारी बावली के नाम से जाना जाता था। खारी का अर्थ है नमकीन और बावली का अर्थ है जीड़ी नुमा कुआं, जो जानवरों और स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। और ये जो हमारी गुरुद्वारा मार्केट है जिसपे हम खड़े हुए हैं, इसकी जो आज के डेट में कीमत है, अगर स्वयं अंबानी भी लगाने की कोशिश करे तो अंबानी भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। इन्हीं सब प्राचीन इमारतों जैसे लाल किला, जैन मंदिर, जामा मस्जिद तथा अलग अलग पकवानों की वजह से ही चांदनी चौक लोगों में इतना प्रसिद्ध है तथा एकता का प्रतीक माना जाता है।